पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने पर्ज फिल्म को एक्सप्लोर किया था कि कैसे इस फिल्म में यूएस में एक ऐसी रात होती है जब सभी तरह की क्राइम इंक्लूडिंग मर्डर लीगल हो जाती है। मतलब तुम लिटरली रोड पर AK-47 चलाकर उस रात में किसी को भी मार दो, कोई भी तुम्हें सजा नहीं देगा, तुम्हें कोई जेल में नहीं भेजेगा। लेकिन इस रात को चीजें इतनी भी सिंपल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आप किसी को भी मार सकते हो उस तरह से कोई और भी आपको मार सकता है। सीधा समझो कि खतरा हर इंसान को उतना ही है, और पर्ज की रात चूंकि अपनी भड़ास निकालने की रात है, तो अगर आपने इस पूरे साल में किसी को भी हर्ट किया है तो दे मे कम टू कैच यू। बिल्कुल जिस तरह पर्ज फिल्म में सूर्पनखा मिसेस सैंडिन के बिहेवियर से चिढ़कर उसे मारने की भी कोशिश करती है, या फिर जैसे गैंग्स स्ट्रेंजर को मारने के साथ साथ सैंडिन फैमिली को भी बस इसलिए मारते हैं क्योंकि वो उसको अपने घर में जगह दे रहे होते हैं, और पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के घर में होने के बावजूद भी गैंग लीडर मिस्टर सैंडिन को मार देते हैं। तो पर्ज फिल्म में क्या हुआ, हमने ये देखा, और हमने ये क्लियरली देखा कि सैंडिन फैमिली की इतनी ज्यादा रिच और सिक्योर होने के बावजूद भी मिस्टर सैंडिन सरवाइव नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हम पर्ज फिल्म में सैंडिन फैमिली की जगह खुद को रखकर देखेंगे कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो क्या हम पर्जर्स को बीट कर सकते थे। ऐसा वक्त जब हर क्राइम लीगल हो तो कोई भी आपको मारने आ सकता है, तो हम कैसे इंट्रूडर्स को बीट करके पर्ज को सरवाइव करेंगे। सैंडिन फैमिली ऐसी क्या गलती करती जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और क्या स्टेप लेकर हमारे ऐसे किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। फिल्म की शुरुआत में हम जेम्स सैंडिन यानी कि मिस्टर सैंडिन को पर्ज वाले दिन ही गाड़ी से घर जाते हुए देखते हैं। तो गलती की शुरुआत यहीं से हो जाती है, क्योंकि यार 7 बजे से पर्ज शुरू होगा और जस्ट कुछ घंटों पहले ये गाड़ी चला रहे हैं। तो जरा सोचो अगर इनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाए तो ये वक्त से पहले घर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, और साथ में इनकी जान को भी खतरा होगा। वैसे बिल्कुल ऐसा ही हमने एक पर्ज के सीक्वल में भी होते हुए देखा था। तो यहाँ पर बेहतर होता कि वो आज के दिन कहीं के लिए भी नहीं निकलते, और इसके अलावा फिर पर्ज को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता कि अमेरिका से बाहर कहीं चले गए होते, क्योंकि पर्ज सिर्फ अमेरिका में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इनफैक्ट हम देखते हैं कि कई फॉरेनर पर्ज में अमेरिका आ रहे होते, तो ऐसा भी नहीं कि एयरपोर्ट सर्विस पर्ज में बंद है। और अगर इनकेस फ्लाइट रेट ज्यादा भी थी तो क्योंकि सैंडिन बहुत ज्यादा रिच थे तो इजिली अमेरिका से बाहर भी निकल सकते थे, और जब उन्हें पर्जर्स नहीं बनना था मतलब जस्ट उन्हें सरवाइव करना था, तो वो कुछ हफ्तों पहले ही अमेरिका से बाहर चले जाते जिससे उन्हें एयरपोर्ट पर क्राउड भी नहीं मिलती, और इन केस अगर उन्हें फ्लाइट टिकट ही ना मिले तो भी स्टिल वो पर्ज से कुछ वीक्स पहले अमेरिका से बाहर मेक्सिको और कनाडा ड्राइव करके जा सकते थे, जिससे उन्हें ट्रैफिक को भी फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि पर्ज होने पर आपके ही तरह कई और लोग भी देश को छोड़कर जाने की सोचेंगे। अब अगर आप भी सैंडिन फैमिली की तरह अपने कंट्री छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते तो भी घर में रहना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि जो आपको पर्ज के दिन अपना शिकार बनाना चाहते होंगे उन्हें प्रोबेबली इसका आइडिया होगा कि आपका घर कहाँ है। सो सैंडिन का घर पर रुकने का आइडिया बहुत ही वाहियात होता है। अभी जो भी उसके एनिमी है दे नो कि उनका घर कहाँ है और किस जगह है, और पर्ज में वो उन्हें मारने आ सकते हैं। खैर अब पर्ज शुरू होने में करीब 1 घंटे बाकी है, और हम देखते हैं कि मिस्टर सैंडिन अपने घर को सील कर रहे हैं। ये टोटली क्रैप आइडिया है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे में लोग सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को मार रहे होंगे, और अब लास्ट आवर में ये अपने सिक्योरिटी सिस्टम को लॉक कर रहे हैं। जस्ट अगर कुछ फेलियर हो जाए और सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपरली वर्क ना करे तो जस्ट इमेजिन इन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इफ आई वॉज देयर इन द फर्स्ट प्लेस मैं अपने घर पर ही नहीं होता, और अगर होता भी तो भी घर को पहले से सील कर लिया होता। आखिर ये भी मशीन्स पर वर्क कर रही है जो कि कभी भी मैलफंक्शन कर सकती है, मतलब खराब हो सकती है। अब लास्ट मिनट पर ये अपने घर को सील कर देते हैं, पर ये और भी बेटर कर सकते थे। लाइक वो अपने घर की बाहर की सभी लाइट्स को बंद कर देते जिससे पर्जर्स को ऐसा लगता कि घर पर कोई भी नहीं है। अब पर्ज की शुरुआत होती है और हमें दिखता है कि जोई का बॉयफ्रेंड भी घर में छिपा है। अब सर्टेनली जोई एकदम बेवकूफ है, क्योंकि जब उसके डैड उसे और उसके बॉयफ्रेंड को मिलने से मना कर रहे तो यार क्या जरूरत है अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाने की या उससे कॉन्टेक्ट में भी रहने की। तो उसका बॉयफ्रेंड इस बात से गुस्सा हो जाता है और आज अपनी भड़ास को शांत करने का सोचता है। इसलिए बेहतर होता कि जोई अपने बॉयफ्रेंड से स्ट्रिक्टली पर्ज के वक्त में मिलने से मना कर देती। खैर जोई का बॉयफ्रेंड मिस्टर सैंडिन से फुल एंड फाइनल टॉक करने जा रहा होता है। उसी वक्त मिस्टर सैंडिन के बेटे चार्ली को घर के बाहर कोई हेल्प मांगता हुआ दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा दुख में चिल्ला रहा होता है लाइक कोई उसकी मदद कर दे। अब यहाँ चार्ली ऐसी गलती करता है जो उसे नहीं बल्कि उसके बाप को चुकानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे में चार्ली उस स्ट्रेंजर को अपने घर के अंदर बुला लेता है। अब यहाँ पर जोम्बी लैंड का रूल हमें ध्यान में रखना था कि डोंट बी अ हीरो, क्योंकि भाई तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस पर्सन की जिंदगी सेव कर रहे हो, शायद वो इंटेंशनली तुम्हें मारने के लिए ही आ रहा हो।
और वो बस ऐसी एक्टिंग कर रहा हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम पर्च शुरू होने पर ऐसे किसी की हेल्प कर रहे हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो। इसके अलावा एक गलती मिस्टर सैंडिन ये करते कि वो अपने बच्चों के सामने ही सिक्योरिटी कोट्स डालते हैं जो कि उन्हें नहीं डालने चाहिए थे। और अगर मिस्टर सैंडिन इन फर्स्ट प्लेस उन कोट्स को इन्हें नहीं बताया होता तो चार्ली उस स्ट्रेंजर को घर के अंदर ही नहीं बुलाता। अब जैसे ही मिस्टर सैंडिन स्ट्रेंजर से बात करने के लिए जा रहे होते हैं, जोई का बॉयफ्रेंड मिस्टर सैंडिन पर फायरिंग करने लगता है क्योंकि ही नोज कि जोई के पापा इस रिश्ते को कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। ऑल्दो जोई का बॉयफ्रेंड इसमें फेल हो जाता है और वो खुद मारा जाता है, पर यार जस्ट इन केस अगर वो अल्टरनेट रियलिटी में मिस्टर सैंडिन को मार भी देता तो क्या जोई उसके फादर के किलर के साथ रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करती? नॉट एट ऑल, क्योंकि नॉर्मल बुद्धि वाली लड़कियां ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अब मिस्टर सैंडिन मिसेस सैंडिन और चार्ली को एक रूम में रहने के लिए कहते हैं और वो जोई को और उस स्ट्रेंजर को अकेले ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, विच इज अगेन अ रीजन टू वरी, क्योंकि अगर आपने हॉरर फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कि स्प्लिट होने से किसी का भी भला नहीं होता है। और इसलिए स्ट्रेंजर से लड़ना हो तो तीनों फैमिली मेंबर को एक साथ उसके पास जाना चाहिए था। अब पर्जर्स की पूरी गैंग घर के बाहर आती है क्योंकि उन्हें सैंडिन फैमिली के नेबर ने बताया होता कि उनका पर्ज सैंडिन के घर में ही छिपा है। अब गैंग लीडर उनके सामने कंडीशन रखता है कि ईदर मिस्टर सैंडिन उसके पर्ज यानी कि उस स्ट्रेंजर को वापस करें या फिर वो पर्जर्स घर के अंदर घुसकर हर एक को मार देंगे। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि डोंट बी अ हीरो, क्योंकि यहाँ पर किसी और की जान बचाने के चक्कर में ही चार्ली ने अपने फैमिली को ही खतरे में डाल दिया। एंड दैट्स व्हाई मैंने ऐसा भी कहा था कि घर की लाइट को उसे बंद कर देना चाहिए था, जिससे अगर कोई नेबर उन्हें बताता भी कि उनका पर्ज सैंडिन के पास है तो बाहर की लाइट बंद होने की वजह से प्रोबेबली पर्जर्स को ऐसा लगता कि सैंडिन के घर पर कोई भी नहीं है और वो शायद नेबर की बात पर बिलीव भी नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दिस सैंडिन्स झूठ भी कह सकते थे कि सैंडिन के पास उनका पर्ज नहीं है और मे बी वो सैंडिन्स की बातों पर बिलीव भी कर लेते, पर उन्होंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं दूसरी तरफ चार्ली पूरी तरह से मिस्टर सैंडिन की नहीं बल्कि स्ट्रेंजर की हेल्प कर रहा होता है और उसे अपनी सीक्रेट क्लोजेट में छिपा देता है। यार लगता है कि बच्चे को अपनी फैमिली से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, क्योंकि अगर वो उस स्ट्रेंजर को गैंग को रिटर्न नहीं करेंगे देन उसकी खुद की फैमिली खत्म हो सकती है। खैर अल्टीमेटली मिस्टर सैंडिन किसी तरह से स्ट्रेंजर को कैप्चर कर चुके होते हैं और बाहर भेज भी रहे होते हैं, पर एट द मेन टाइम मिस्टर सैंडिन को ऐसा लगता है कि उन्हें स्ट्रेंजर को सेव करना चाहिए, मतलब कुछ भी। पहली बात तो ये कि गैंग जो अपने पर्ज को ढूंढ रहे हैं वो नंबर में सैंडिन से कहीं ज्यादा है, उनके पास एडवांस्ड गन्स और मेले वेपन्स हैं और उस गैंग में सब एडल्ट हैं। वहीं प्रैक्टिकली इस तरफ केवल मिस्टर और मिसेस सैंडिन हैं और बाकी दोनों तो बच्चे हैं तो उन्हें कंसिडर करना ही बेवकूफी है। सो हाउ दे आर इवन सपोज टू फाइट विद देम, मतलब दूर दूर तक सैंडिन्स के सर्वाइवल के चांस नहीं है। तो देखो वैसे तो यहाँ पर बेस्ट होता कि वो स्ट्रेंजर को घर से बाहर निकाल देते, एज देयर इज क्लियर चॉइस कि इधर वो अपने फैमिली को कम्प्लीटली सेव करेंगे या फिर स्ट्रेंजर की लाइफ को सेव करने के चक्कर में अपनी फैमिली को रिस्क में डालेंगे, क्योंकि क्लियरली बाहर अप्रोक्स 8 एडल्ट्स हैं और सैंडिन के साइड सिर्फ 3 एडल्ट्स हैं, विच इज टोटली अनफेयर। खैर एक बात और, अगर सैंडिन्स स्ट्रेंजर को सेव करने का डिसीजन अगर पहले लिए होते तो साथ में मिलकर वो एक टनल वगैरह खोद सकते थे और बैक साइड से फिर निकल सकते थे, या फिर पर्जर्स को पकड़ने के लिए ट्रैप और प्लानिंग वगैरह पहले से कर सकते थे जो उन्हें ही आगे हेल्प करता। That's why मैं कहता हूँ कि zombie apocalypse की भी planning पहले करो, so that on the main time हमें survive करने में आसानी हो। वैसे अगर यहाँ तक देख लिया और अगर आप चाहते हो कि मैं zombie films को भी beat करने पर video बनाऊँ, like how to beat zombie hordes in Train to Busan, तो 1500 likes का target पूरा कर देना। यार छोटा सा likes है, तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात भी नहीं। Finally gang Sandin के घर की security को break करते हैं और अंदर घुसते हैं और जो नहीं होना चाहिए था वही होता है, क्योंकि कत्लेआम शुरू हो चुका था। अब देखो यहाँ सैंडिन्स गैंग के मेंबर को मारने का डिसीजन लेते हैं, विच इज लिटरली द वर्स्ट डिसीजन, क्योंकि उनके पास डेंजर वेपन है। सिंपली सैंडिन्स को चार्ली के सीक्रेट क्लोजेट में चले जाना चाहिए था या बेसमेंट में ऐसी किसी जगह पर जाना चाहिए था जहाँ एंटर करने में सिर्फ एक रास्ता हो और सैंडिन्स वन बाय वन सबको मार सके, इससे सैंडिन्स के सर्वाइवल के चांस इंक्रीज हो जाते। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते थे तो जैसा मैंने बताया दे कुड हैव सेट अ ट्रैप, क्योंकि पर्जर के घर में एंटर करने में उन्हें काफी वक्त मिला था तो वो कुछ डेडली ट्रैप सेट कर सकते थे जिसे जब पर्जर उनके घर में घुस रहे हो तो वो मारे जाए या फिर बहुत बैडली इंजर्ड हो जाए, बिल्कुल होम अलोन में जैसा ये छोटा सा बच्चा करता है। खैर किस तरह से आप अपने घर में डेडली ट्रैप सेट कर सकते हो जो जॉम्बिस को तो मारेगा ही, ये साथ में ऐसे सिचुएशन में भी आपकी काफी हेल्प करेगा, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपका मन करे तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। खैर अब सैंडिन्स हमेशा की तरह अलग अलग हो जाते हैं, पर फिर भी मिस्टर सैंडिन कई पर्जर को मार देते हैं, लेकिन एंड में गैंग का लीडर उन्हें चाकू घोप कर मार देता है। अब अगर यहाँ पर सैंडिन ने कोई भी आर्मर या वेस्ट पहना होता
या फिर किसी भी प्रोटेक्टिव लेयर को पहना होता तो उसे ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। और इसके अलावा सैंडन को अपने साथ साथ कुछ मेले वेपन्स भी रखने चाहिए थे जिससे नॉइज कम होता और वो काफी ज्यादा इफेक्टिवली फाइट कर पाते। अब मिसेस सैंडन को कुछ पर्जर सप्रेस कर देते और मारने ही वाले होते हैं, पर उसी वक्त पर वही स्वर्पनखा यानी कि पड़ोसी आ जाती है जो गैंग को मारकर मिसेस सैंडन को सेव कर लेती है। पर एज यू नो, पड़ोसी सैंडन को इसलिए बचाती है ताकि वो खुद सैंडन को मार के पर्ज सेलिब्रेट कर सके। अब ऐसा करने का वजह यही था कि सैंडन अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर दी थी जिसे दे वे काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड। अब पड़ोसी सैंडन को मारने वाले होते हैं तभी वो स्ट्रेंजर जिनकी इन्होंने जान बचाई थी बीच में आ जाता है और सिचुएशन कंट्रोल करता है और सैंडन को भी बचा लेता है। इसके बाद ये मिसेस सैंडन को चॉइस देता है कि क्या वो इन पड़ोसी को मारना चाहेंगी या फिर नहीं, एंड वो उन्हें नहीं मारने का चूज करती, विच इज क्वाइट शॉकिंग। मतलब यार कितना ऑकवर्ड लगेगा कि उसके ही मर्डरर उसके पड़ोस वाले घर में रह रहे हैं, और इनफैक्ट नेक्स्ट पर्ज में भी तो पड़ोसी सैंडन को मार सकते हैं। सो क्योंकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो इसलिए सैंडन अपने पड़ोसी को मरवा सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती है। अब सुबह हो जाती है और अनाउंसमेंट होता है कि ये अभी तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्ज था क्योंकि इसमें अभी तक की सबसे ज्यादा डेथ हुई। खैर अंत में मिस्टर सैंडन की डेथ और इतने सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, पर वो सब चीज रोकी जा सकती थी बस अगर चार्ली ने अपने पापा की कही बात मानी होती और स्ट्रेंजर को सेव नहीं किया होता। ऐसे में ना कोई गैंग उनके घर पर पहुंचती और ना ही उन्हें फाइट करनी पड़ती और ना ही मिस्टर सैंडन की डेथ होती। खैर कुछ इस तरह हम पर्ज को बीट करके सर्वाइव कर सकते हैं, पर क्या आपको रियल लाइफ में होने वाले पर्ज जैसे डेडली फेस्टिवल के बारे में जानना है? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिख देना। वैसे पर्ज से बचना फिर भी पॉसिबल है, पर आप मेज रनर में दिखाए गए ज़ॉम्बी से नहीं बच सकते। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है कि वो कितने खतरनाक है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।